हेलो फ्रेंड, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो क्या आपको पता है महाराणा प्रताप और अकबर की असली कहानी के बारे में? तो आज हम बताते हैं कि अकबर की विशाल सेना महाराणा प्रताप के थोड़े से सेना के आगे हार मान गई थी। महाराणा प्रताप ने शक्तिशाली मुगल बादशाह के 85,000 सैनिकों को अपने 20,000 सैनिक और थोड़े से संसाधनों के साथ 1 सालों तक स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। 30 वर्षों की लगातार प्रयास के बावजूद भी अकबर कभी महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना सका। और जब अंतिम क्षणों में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो ये खबर सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ जाते। हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में मेवाड़ के महाराजा प्रताप का समर्थन करने वाले और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर की तरफ से आमेर के राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप को भील जाति को समर्थन मिला था। 1568 में चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी में मुगलों को उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को दे दिया गया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी महाराणा प्रताप के नेतृत्व में ही था। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात पर एक मार्ग स्थापित करने पर आपदा था। जब 1972 में महाराणा प्रताप को ताज पहनाया गया तो उस समय अकबर ने अपने कई सम्राटों को भेजा था महाराणा प्रताप को जमींदार बना दिया गया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने के लिए इनकार कर दिया तब जाकर युद्ध का परिहार हुआ था। लड़ाई का स्थान राजस्थान में गोमुंदा के पास एक हल्दी घाटी जगह के पास एक संकरा पहाड़ में हुआ था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3,000 सैनिकों और लगभग 400 भील धनुर्धारियों के साथ मैदान में उतरे थे। वहीं दूसरी ओर से अकबर का नेतृत्व करने वाले राजा मान सिंह, जिन्होंने 5,000 से 10,000 के बीच लगभग सेनाओं को रखा था। इस युद्ध जो 3 घंटों तक लगभग चला, इसमें महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया था। वे पहाड़ियों के रास्ते भागने में सफल रहे और एक दिन और युद्ध करने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 16,000 पुरुषों की थी। वहीं दूसरी ओर मुगलों ने अपनी 50,000 सेना को इस युद्ध में खो दिया था, जिसमें 3,500 लोग घायल थे। इसका कोई नतीजा नहीं निकला, जबकि गोमुंदा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ नहीं बना सके। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और हुआ, महाराणा प्रताप अपनी सेना के साथ बाहर आ गए और उन्होंने पश्चिमी के क्षेत्रों को हटा दिया। सिंहासन पर पहुंचने के बाद अकबर ने मेवाड़ के साथ, राजपूतों के साथ और अन्य लोगों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लिया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप, जो सिसोदिया वंश के प्रतिष्ठित थे, उन्होंने अकबर के सामने खुद को प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया। यही हल्दी घाटी के युद्ध का सबसे बड़ा कारण बना था। महाराणा प्रताप, जो कुंभलगढ़ के किले में सुरक्षित थे, उन्होंने जयपुर के गोमुंदा में अपना राज्य स्थापित किया। अकबर ने अपने कबीले के वंशानुगत विरोधी मेवाड़ के साथ युद्ध करने के लिए सिसोदिया राजवंश के कछुआ मान सिंह की नियुक्ति की थी। मान सिंह ने अपना आधार मांडलगढ़ में स्थापित किया। उसके बाद वे अपनी सेना के साथ गोमुंदा के लिए रवाना हो गए। गोमुंदा के लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर खमनेर गांव स्थित है, जिसकी चट्टानों की एक ओर हल्दी घाटी का चट्टान है। हल्दी घाटी नामक एक पर्वत अरावली पर्वत के एक भाग को अलग किए हुआ था, जिसे कुचलने पर हल्दी जैसा एक चट्टान की भांति पाउडर निकलता था। राणा, जिसे मानसिंह की सेना से अवगत कराया गया था, मानसिंह की सेना के इंतजार में हल्दी घाटी के दर्रे पर तैनात किया गया। यह युद्ध 18 जून 1576 को सूर्य उदय के लगभग 3 घंटों के बाद शुरू हुआ था। उनकी सेनाओं की ताकत के बात करें तो मेवाड़ी परंपराओं के अनुसार महाराणा प्रताप के पास लगभग 20,000 सेनाएं थी। वहीं दूसरी ओर मुगल की ओर से शासक कर रहे मान सिंह के पास लगभग 80,000 की सेनाएं थी। सतीश चंद्र का मानना है कि मान सिंह के पास 50,000 से 80,000 की संख्याएं थी, जिसमें पुरुष शामिल थे, और इन संख्याओं में मुगल और राजपूत दोनों की ओर की सेनाएं शामिल थी। सेना का गठन में महाराणा प्रताप की 400 भील
धनुर्धारियों के साथ प्रमुख पानरवा के ठाकुर सोलंकी राणा प्रताप पूंजा ने 800 की मजबूत कमान के साथ हकीम खान अफगानों के साथ द्रोड़िया के भीमसेन और रामदास राठौर के साथ की थी। दक्षिणपंथी लगभग मजबूत थे। उन्होंने 2200 सेनाओं के साथ ग्वालियर के पूर्व राजा तंवर और उनके 3 पुत्र मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने नेतृत्व किया था। अनुमान लगाया जाता है कि लेफ्ट विंग में लगभग 4000 योद्धा थे, जिसमें बिदा झाला और उनके वंशज शामिल थे। प्रताप ने लगभग अपने घोड़े के साथ 13000 सैन्य बलों के साथ केंद्र में नेतृत्व कर रहे थे। चारण पुजारी और अन्य नागरिक भी इस लड़ाई का हिस्सा थे, जिन्होंने नेतृत्व किया था। मुगलों ने 85 रेखाओं के एक पंक्ति को अग्रिम में रखा था, जिसका नेतृत्व बरहा के सैयद हाशिम ने किया था। उसके बाद मोहरा था, जिसमें जगन्नाथ का नेतृत्व करने वाले कछुआ राजपूतों का नेतृत्व करने वाले बख्शी अली खान एशियाई से अपना नेतृत्व कर रहे थे। माधो सिंह कछुआ के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम आया और मान सिंह खुद केंद्र पे रहकर कार्य कर रहे थे। इसमें फतेहपुर सिकरी के चेस जादो और सलीम चिश्ती के रिश्तेदार लोग भी शामिल हुए थे। साम्राज्यवादी पंथियों का सबसे मजबूत घटक दक्षिण भाग में तैनात था। अंत में मुख्य सेना के पीछे मिहिर खान के पहरे का भी बंदोबस्त किया गया था। दोनों सेनाओं के असमानता के कारण राणा ने मुगलों पर एक पूर्व ललाट हमला करने का सोचा, जिसमें उनके बहुत सारे लोग मारे गए। हकीम खान और रामदास राठौर मुगल झड़प के बीच युद्ध से भाग गए थे। यह युद्ध लगभग 3 घंटों तक चली। इस युद्ध में मेवाड़ के लगभग 16000 सैनिक और मुगलों के लगभग 50000 से अधिक सैनिक मारे गए थे, जिसमें घायलों की संख्या लगभग 3500 थी। सरकार के अनुसार ये दोनों सैनिकों को मिलाकर लगभग 3 गुना लगभग मारे गए और दोनों सैन्य दलों में दोनों तरफ राजपूत लोग शामिल थे। इस युद्ध में किनकी जीत हुई, इस घटना से इतिहासकार में मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अकबर की जीत हुई और बाकी इतिहासकारों का मानना है कि महाराणा प्रताप का जीत हुआ था। महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिनसे अकबर डरता था और वो अपने जीते जी महाराणा प्रताप को कभी भी पकड़ ना सका। महाराणा प्रताप की मृत्यु स्वयं के धनुष के कारण हुई थी। हमारे देश को आज़ाद करने में लोगों ने अपने जी जान लगा दिए। रानी पद्मावती ने भी अपनी आन बान शान के लिए जौहर कर लिया था और महाराणा प्रताप ने भी अपने अंतिम सांस तक झुकना पसंद नहीं किया, भले ही मरना पसंद किया। तो उस समय लोग अपनी देश की शान के लिए, अपनी इज्जत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।